हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो बताने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद ताप रासायनिक समीकरण, विस्थापन अभिक्रिया। सो ये सभी टॉपिक इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स होंगे टॉपिक होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से पहले एक थोड़ा सा जिक्र कर देते कि पिछले क्लास में जो बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्व यौगिक या पदार्थ क्या होते हैं एक साथ मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया था। इसमें वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटकर, इसमें क्या होगा संयोजन में था कि एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें कि एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक का निर्माण करें। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया या वैसे पदार्थ क्या है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, फिर उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा के अनुसार हो गया कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज याद रखनी है कि एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो जाएंगे वियोजन अभिक्रिया, और संयोजन में होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो होते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें जैसे दिया CaCO3, CaCO3 को गर्म करेंगे तब CaO का निर्माण होगा और CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है NaCl, NaCl को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, या विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे NaCl को, तो Na अलग हो जाएंगे और Cl2 अलग हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे कि समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इधर दो लगा देंगे और इधर दो लगा देंगे तो 2NaCl, 2Na और Cl2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है H2O, H2O को विद्युत धारा की अभिक्रिया में विद्युत धारा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2 अलग हो जाएंगे और O2 अलग हो जाएंगे। अब इसको सब बैलेंस कर लेंगे तो हो जाएगा 2H2O और इसके H के पहले भी 2 डाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको ऊष्मा की उपस्थिति में या ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे ऊष्मीय वियोजन में। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देखें हम कि जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा कराई जाती है ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया जब ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युतीय वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है किसके द्वारा, तो जो वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युतीय वियोजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल विद्युतीय वियोजन है, ये विद्युतीय वियोजन है, तो विद्युतीय वियोजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वियोजन। ठीक है, और प्रकाश वियोजन में क्या होगा कि ये प्रकाश के द्वारा या प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, वो क्या करेगा वियोजन करेगा, तो जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, इसमें क्या है प्रकाश ऊर्जा, तो जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराई जाती है, इसमें विद्युत धारा के द्वारा वियोजन कराई जाती है, और इसमें प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजन कराई जाती है प्रकाशीय ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, क्या है, किसे कहते हैं, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें क्या याद रखेंगे कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो वैसी अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने होती है तो क्या कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होंगे, ठीक है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऊष्मा शोषी का जिक्र करेंगे, तो ऊष्मा क्षेपी पिछले
क्लास में जिक्र कर चुके हैं कि उष्मा क्षेपी क्या था। तो जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उष्मा क्षेपी कहलाएगा, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा वो उष्मा शोषी कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे उष्मा क्षेपी में क्या था, उष्मा उत्पन्न होता है और उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है। तो उष्मा शोषी में क्या करेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है ताप रासायनिक समीकरण। ताप रासायनिक समीकरण इसका क्या रहेगा, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गई होती है उसे ताप रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से इसको इसको बोलते हैं कि ताप रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, या ताप रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या ताप रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तीनों क्वेश्चन में से कोई भी है, तब इसका जवाब देंगे ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गई होती है उसे ताप रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब विस्थापन अभिक्रिया से बारे में जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है या ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पे एक नोट्स लिखे हैं, ठीक है, ये वाला इसमें क्या है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि एक में क्या होते हैं, टूटते हैं तो एक में जुटते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, जुटते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, तो टूटते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही टॉपिक पर चर्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।